हमारे खानदान में शादी कैसी होती है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। हल्दी वाला प्रोग्राम रह गया था, वो नहीं दिखा पाया था आप लोगों को, और शादी दिखाने वाला हूँ कल आपको। शादी कैसा रहता है हमारे खानदान में, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों देखो, दूल्हे की गाड़ी जो है हम सजा रहे हैं, और सजाने के बाद में इसको हम लेके जाने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा 9:30 बज रहा है, और 9:30 बजने के बाद आप देख सकते हैं मैं दूल्हे के लिए नया स्कॉर्पियो लाया है हम लोगों ने, एकदम फुल दमदार गाड़ी, एकदम स्कॉर्पियो। तो देखो अभी इसकी सजावट चल रही है, और ये हमारा गनिया है। देखो गनिया शकल दिखा दे। अभी गनिया का हमारे कलाकारी चल रही है इसमें, अभी पूरा होने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमारे दूल्हे की गाड़ी जो सज चुकी है, और हम निकल रहे हैं अभी दूल्हे के पास जाएंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं दूल्हे की तैयारी कैसी हो रही है। आप सबको हर चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हमारे खानदान में शादी कैसी होती है, क्या रस्में होता है, ये सारी चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं अभी दूल्हे के पास। तो दोस्तों फाइनली तैयार हो चुका हूँ मैं, अभी दूल्हे की गाड़ी सजा कर भेजा था, अभी खुद को सजा लिया हूँ। देखो एकदम दूल्हा बन गया हूँ मैं, दूल्हा फीका हो जाएगा मेरे सामने, देख सकते हैं आप लोग। और मैं अभी चल रहा हूँ अपने दूल्हे के घर पे, और वहाँ से फिर बारात लेके निकलेंगे, हॉल में जाएंगे। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा हूँ मैं, ड्रेस कैसा लग रहा है मेरा जोधपुरी। कोई यकीन मानेंगे 14 साल पुराना है फिर भी एकदम फिट आ रहा है, ये देखो। तो चलो चलते हैं अपनी कार में, और फिर चलते हैं वहाँ से साईनगर से, वहाँ से दूल्हे के बारात लेके निकलेंगे और जाएंगे पिंपरी के अंदर। तो हॉल में चलने के बाद एकदम बढ़िया फोटोशूट वगैरह दिखाएंगे आप लोग, और वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं शादी कैसी होती है हमारे खानदान की। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम अपने कार की तरफ पहुँच गए हैं, ये देखिए ये मेरी कार है, और यहाँ से अभी मैं इन लोग को लेकर जा रहा हूँ आरिफ के घर पे साईनगर, वहाँ से फिर हम बस के अंदर बैठेंगे, फिर जाएंगे बारात में। और ये अभी हमारे साथ लोग तैयार हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं सीधा बारात में मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं दूल्हे के घर पे पहुंच चुका हूं, और यहां पे बहुत सारी भीड़ दिख रही है, देखो, और दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो दूल्हा पीछे से नहीं, तो आगे चलेंगे, मैं भी जाता कैमरा मैन की तरफ। मैं आ रहा हूँ, पहले आप लोग का, आप लोग, हाँ माशाल्लाह। थोड़ा आज पास आ जाओ, दूल्हा इस्माइल। हो गया अभी लूट लूटा मार हो गया, तो चलो चले बारात लेके चलना है कि नहीं, बारात लेके चलना है भाई, दूल्हे को इतने घर पे रखे हुए यार, बाहर ही नहीं निकल रहे सब लोग, परेशान है इधर, कोई भी निकलने को तैयार नहीं, सब फोटो शूट पे लगे हैं, कोई रसम मना रहा है, कोई पैसा रख रहे हैं सूप में, इसमें उसमें, सब अपना अपना जुआड़ लगा रहे हैं, बारात लेके निकल ले रहे हैं। यहीं पे 12 बजा दिए, और हमको 11 बजे का टाइम दिया था बारात में पहुँचने के लिए। देखो और कितना देर होता है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जैसा भी होगा ऐसा। देखो मेरे खानदान में ऐसी शादी होती है, ये सब आपको दिखा रहा हूँ मैं, और आगे और क्या क्या होंगे वो सब भी दिखाऊंगा। अरे ओवरलोड हो गया है लिफ्ट में, ओवरलोड हो गया है अभी ये ओवर। तो दोस्तों देखो जा रहा है दूल्हा, अभी उसकी गाड़ी निकल रही है, और अभी हम लोग पीछे बस से जाएंगे, तो जा रहा है दूल्हा निकल गया है। देखो यहाँ पे, ये देखो गाड़ी जा रही है, अभी हम लोग बस में जाएंगे, फिर वहाँ बारात में चलने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। हाँ लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए, थोड़ा लेट नहीं हो गया, बहुत लेट हो गए। ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे कब से, और मेरी मोजड़ी भी फट चुकी है। तो चलो चलते हैं बस के अंदर, बस के अंदर बैठने के बाद में फिर वहाँ क्या माहौल है वो दिखाता हूँ। हमारे खानदान में ये ऐसी शादी है जिसका वीडियो मैं बना रहा हूँ पूरे प्रॉपर तरीके से, और यहाँ क्या क्या होता है शादी में वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग बस के अंदर बैठ गए, आप लोग देख सकते हैं बंदर बस पूरी तरह से भर चुकी है, और अभी हम निकल गए हैं, अभी हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। तो अभी हमारी जो गाड़ी जा रही है बस, जहां से जा रही है जिस रास्ते से, वो रास्ता आप लोग देखिए, ये पूरा फॉरेस्ट का इलाका है, यहां पे एकदम मस्त लगता है, बहुत बढ़िया लगता है।
मैं यहाँ पे पहले आता था अक्सर घूमने के लिए, कभी अभी वापस कभी ब्लॉग बनाऊंगा अपने देहरोड का, तब ये भी जगह कवर करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कितना भारी दिखता है। उसके लिए नहीं उतरोगे? चला छाया रुक जा, छाया कांच कांच नहीं होता है ये, कौन सा है यार तेरा गाड़ी लेके आया जो कांच नीचे नहीं होता है? दूल्हा उतर क्यों नहीं रहा है? कांच नीचे नहीं होता। अरे बाप रे, सासू नहीं मैं ये यार, हम लोग पहले पहुंच गए मतलब। अच्छा और दो चार फोटो खींच लेते। तो भाई दोस्तों आप लोग देखिए, अभी दूल्हा उतर नहीं रहा है, अभी एक रसम बाकी है दूध पीने वाली सास के हाथ से। सास वो रसम है वो करना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद उतरेगी। तब तक बंद रहते भाई, तू आराम कर, धूप लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हॉल में पहुंच चुके हैं, और हॉल में पहुंचने के बाद में अभी दूल्हे की गाड़ी आ चुकी है, यहाँ पर रुकी है, और दूल्हा जो है अभी फिलहाल कुछ एक छोटा सा रसम है वो पूरा नहीं हुआ है, तो अभी उसके साथ आएंगे उसको उतारने के लिए, इजाज़त देंगे तब जाके वो उतरेगा, फिर वो उतरेगा तभी हम लोग अंदर जाएंगे एंट्री करेंगे, नहीं तो दूल्हा तब तक गेट पे ही रुका रहेगा। तो एक डेंजर रसम है। और ये हमारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, इनसे मिलिए, अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे को बना के देने वाले हैं अपने ब्लॉग के लिए। थैंक यू। हाँ गुड भाई, कैसे हो? क्या बात है, चमक रहे हो एकदम। तो दोस्तों थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, दूल्हे के साथ आ जाएगी, उसके बाद दूल्हे को इजाज़त देगी उतरने के लिए, उसके बाद आगे का प्रोग्राम क्या है वो आपको बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मिलिए हमारे चाचा और मैम, आज के हमारे चाचा है और ये दूल्हे के दूल्हे भाई के ससुरे है। ब्लॉग बना रहे हो चाचा ना? हाँ हाँ। तो चलो अभी हम लोग हॉल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये देखो अस्सलामु अलैकुम, मेरे भैया से मिलिए, करता धरता हमारे। देखिए ये हॉल है, ये हॉल है, इस टाइप का हॉल है जो अभी यहाँ पे लोग, अस्सलामु अलैकुम। तो अभी यहाँ पे आने वाले स्टेज के ऊपर वहाँ बैठने वाला दूल्हा, तो अभी दूल्हा फिलहाल यहाँ पे वेट कर रहा है, अभी वहाँ से उतरेगा फिर आएगा, तो आने के बाद में स्टेज पे चलते हैं हम लोग। आ जाओ भाई दूल्हे मियाँ, इंतज़ार ख़त्म हो गया, इजाज़त मिल गया, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। तो दोस्तों फाइनली दूल्हा उतर गया है, और साथ में मेरी माँ और चाची भी उतर रहे, सब उतर रहे, और अभी हम चलेंगे सीधा हॉल के अंदर। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खो दरवाजा। सामने। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो दूल्हा है स्टेज पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे क्या क्या होगा वो सारी चीज़ मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। एक ये भी रिवाज है, पहुँचेगा आदमी स्टेज पे तो उसको मीठा खिलाकर पानी पिलाया जाता है,
तो आप लोग को हमारे खानदान में शादी कैसी होती है वो मैं ही दिखा रहा हूँ, तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, खानदान बहुत अलग अलग करते हैं। तो ये रहे गुलाब जामुन, और ये रहा है बर्फी, मलाई बर्फी, और ये चिप्स। तो मैं अभी गुलाब जामुन उठाता हूँ। तो अभी यहाँ पर तैयारी की जा रही है दूल्हे का रस्म करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रस्म है जो उसको पूरा किया जा रहा है। लड़की के लिए कुछ कपड़े, गहने, उसके डेली वापरने के लिए चीज़ें जो दी जा रही है यहाँ पर उसको। और इसके बाद दोस्तों शुरू होगा प्रोग्राम। दो गवाह रहेंगे जो गवाही देंगे और साइन करेंगे शादी में विटनेस के तौर पर। उसके बाद मौलाना यहाँ पर निकाह पढ़ाएंगे। सब बातें चल रही है तो आप लोग भी सुनिए। गवाही से जुमला हाजरीन की शहादत से शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक मैं अपनी मुवक्किला जनाब वीर मोहम्मद साहब की मुख्तर बेग अख्तर साफिया को, साफिया बानो को फाइनली दोस्तों शादी हो चुकी है आरिफ भाई की। अब सब लोग गले मिलेंगे और मुबारकबाद देंगे। मैं ये गाना लगाता हूँ, आप लोग भी सुनिए, मजा लीजिए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सबकी बारातें आई डोली तू भिलाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जा। सामने गांव का बंदा है और उस बाजू में गांव के बंदे, ये सब गांव के बंदे हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ये लोग अभी आए हैं मिलने के लिए स्पेशली गांव से, तो यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। फाइनली हम लोग अभी टेबल पे बैठ चुके हैं, अभी हम लोग का खाना शुरू हो गया है और अभी हम लोग खाने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, और हमारा सारा ग्रुप जो बैठ गया है, ये देखिए सारा ग्रुप बैठ गया भाई, सारा क्या बोल रहे थे सुभद्रा राय, सारा तो मर गया है। तुम उसके बेचारे को बार बार क्यों याद कर रहे हो? उसके तो भतीजे कोई आया नहीं लेने के लिए बॉडी, तुम इतना क्या फिक्र कर रहे हो पैसे के लिए? आज अपना नसीब जोरदार है। पहले तो सबके उसमें कबाब जो मिला हुआ मेरे को ग्रीन मिला, उसके बाद लेग पीस भी भरे हुए हैं, लेग पीस भी एकदम भरा हुआ मिला, जो उसको उठाया तो गिर गया पूरा। अरे प्लेट में ही गिरा ये बोल ना, मैं दिखा नहीं देता हूँ ना, ये देखो पीस पीस हो गया था, भारी भारी हो गया था। मीठा डालू क्या? हाँ मीठा थोड़ी देर के बाद डाल दे तो अच्छा रहता है, मस्त एकदम। और खाने वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं खाना कैसे खाया हूँ और बताऊंगा भी। अभी आए हैं यहाँ पे मलिदा खाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मलिदा, यहाँ पे भात, नहीं भात तो बाद में खाएंगे, अभी मलिदा है। तो देखो अभी लोग आ गए हैं यहाँ पे, ये देखो दूल्हा आ गया है, यहाँ पे मिठाई आ गई है,
अब इसको खिलाएंगे लोग और गिफ्ट देंगे। दोस्तों यहाँ जूता चुराने की रस्म चल रही है, गाना सुनिए मजे वाला। सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो। बात बन नहीं रही है जीजा और सालियों में, पैसा ज्यादा डिमांड कर रहे लोग। जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर, दुल्हन के देवर। बिना जूते की हमने विदाई करवा दी है, दुल्हन को लेकर घर जा रहे हैं। सुनिए ये वाला सॉन्ग, बहुत मस्त मजा आएगा, सुनिए। तो दोस्तों हो गई विदाई, अभी दूल्हा दुल्हन निकल रहे हैं, उससे पहले हम वहां पहुंच जाएंगे वीडियो निकालने के लिए। ये ब्लॉग जो है घर पे एंड करेंगे, तो अभी हॉल से हम निकल रहे हैं और यहां बस पे चल रहे हैं बैठने के लिए। तो बस पे बैठते हैं और घर चलते हैं, घर चल के फिर वहां पर ब्लॉग जो है वहीं एंड करेंगे और फिर कल का रिसेप्शन का वीडियो बनाएंगे, उसका भी ब्लॉग आपको दिखाएंगे। तो अरे घर पे बाय करना, अभी नहीं, अरे हम लोगों को भी मिला दो। हाँ आ गए तुम लोग, ये बहुत बड़ा वाइड एंगल है, सब आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हेलो हेलो, हाँ आई होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।